भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गर्व प्राप्त किया है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम करने के लिए रखा जाता था, तो वहीं रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाल ली। रजिया सुल्तान को अस्त्र शस्त्र का काफी नॉलेज था, जिसकी बदौलत वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनने का गौरव मिला। उन्होंने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान ही कहलवाया था, क्योंकि वो खुद को किसी भी पुरुष से कम नहीं मानती थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी जाबाज महिला शासिका की असली तस्वीर और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं। और उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद 1229 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए थे। इल्तुतमिश को अपने छोटे बेटों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो लोग अपनी जवानी के सुख में डूबे हुए थे। चलती आ रही इस परंपरा से बिल्कुल हटकर उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि वो रजिया की क्षमता को 20 बेटों के बराबर मानते थे, पर सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके छोटे और नाकाबिल भाई रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बैठा दिए, क्योंकि वो लोग एक महिला के सामने सिर झुकाना अपमान समझते थे। पर रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी महसा तुर्कान से परेशान होकर लोगों ने उसे तख्त से हटा दिया और रजिया को तख्त पर बैठा दिया, और इस तरह से रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी। रजिया सुल्तान ने 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक दिल्ली पर शासन किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में जाने लगी थी। रजिया का शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, पर उन्होंने अपने शासनकाल को सफलतापूर्वक चलाया। रजिया में शासक होने वाले सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उसका स्त्री होना इन सभी गुणों पर भारी था, जिसके कारण उसके शासन का अंत बहुत ही जल्दी हो गया। अपने शासनकाल में रजिया ने अपने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को सही ढंग से करवाया। उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इमारतों के निर्माण करवाए, सड़कें बनवाई और बहुत से कुएं भी खुदवाए। रजिया ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालय, संस्थान और पुस्तकालयों का निर्माण भी करवाया। रजिया ने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा को भी आगे करवाया। उसने कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी और उनका विवाह। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी, उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी थी। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया भी रजिया की खूबसूरती के दीवाने थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे, और इसके साथ ही वे दिल्ली पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतार कर उसे बंदी बना लिया। अब रजिया के पास अपना राज्य बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अपने राज्य को बचाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, पर रजिया मरते दम तक याकूत से ही मोहब्बत करती रही। जब रजिया इस विद्रोह में फंसी हुई थी, तो इसी दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद रजिया ने दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध की, पर वह इस युद्ध में हार गई और दिल्ली को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी, और इस तरह से इतिहास की सबसे शक्तिशाली मुस्लिम महिला शासिका का अंत हो गया।